जानबूझकर और अनजाने में। आपने देखा होगा कि जब कोई किसी को हर्ट करता है तो बाद में पता चलता है कि उसे तो पता ही नहीं था। तो जान इससे साबित ये हुआ कि जानबूझकर हम नॉर्मली हर्ट नहीं करते लोगों को, अनजाने में हो जाता है। तो फिर जो चीज़ अनजाने में हो रही है तो ध्यान कहाँ जाना चाहिए ये सोचने की बात है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो गैर इरादी अफ़ाल हैं, यानी जो हम बगैर सोचे समझे कर रहे होते हैं, उसकी वजह से लोगों को सोचना पड़ रहा होता है, उसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात या परेशानियाँ आ रही होती हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हम अगर ध्यान से अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें तो हमारी बेध्यानी की भेंट चढ़ने वाले लोग जो हैं उनकी तादाद में कमी आने के इम्कान पैदा हो सकते हैं। होता क्या है कि हम चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, देखते ना देखकर, देखकर कहीं ना कहीं किसी न किसी को हर्ट कर रहे होते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर कोई आपकी वजह से परेशान है तो ये उसका मसला है। ऐसा नहीं है, ये उसका मसला नहीं है, ये भी आप ही का मसला है जो कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ मुर्दा भी मौत को कम्युनिकेट करता है। तो हम तो चलते फिरते इंसान हैं, तो हर चलते फिरते इंसान को इस बात को समझना चाहिए कि उसका ना होना भी उसका होना होता है। जिसका ना होना होता होना हो उसको कितना ज़्यादा इस बात के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसके होने का उसे ख्याल रखना है। अब होने का ख्याल रखने से मुराद ये है कि आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी में परेशानी ना आए। आप कोशिश कर सकते हैं, अब ज़रूरी नहीं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आसानी है तो उनकी ज़िंदगी में परेशानी आ जाती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी की आसानी को ख़त्म कर दें ताकि उनकी परेशानी ख़त्म हो, ऐसी बात नहीं है। आप सिर्फ एक बात जहन में रखें कि आपके होने से अच्छे वाला फ़र्क पड़ना चाहिए, और आपके ना होने से भी लोगों की ज़िंदगियों में आसानी रहने के इम्कान ज़्यादा से ज़्यादातर रहने चाहिए। जब आप ये सोच के आगे बढ़ेंगे, फलेंगे फूलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि फिर आप जानबूझकर अनजान नहीं बनेंगे, अनजाने में लोगों की ज़िंदगियों के में डिफ़िकल्टीज़ या मसाइल या परेशानियों का सबब नहीं बनेंगे, बल्कि आप उस तरह वाले मोहताज होंगे कि बड़ी ख़ूबसूरत बात किसी ने की, मुझे वो शेर थोड़ा याद आ रहा है कि तमाम उम्र इसी एहतियात में गुजरी, तमाम उम्र इसी एहतियात में गुजरी कि आशियाना कहीं शाख गुल पे बार ना हो। खुदा आपको हमें समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया सुनने का।